अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन अल्लाह की हिफाजत में और ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों से ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैंगो के लड्डू, जो कि मेरी अम्मी जान की रेसिपी है। और बचपन में हमारी अम्मी जो है हमें मैंगो के लड्डू बना के खिलाती थी, जो कि हमें बहुत पसंद आते थे। एग्जैक्ट जायका तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसमें कुछ अपनी इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसे बनाया और जब सबको ट्राई करवाया तो सबको बहुत पसंद आए। सो मैंने कहा क्यों ना ये ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों से शेयर की जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हैं? 1 कप जो है हमें मैंगो की प्यूरी चाहिए, जिसे मैंने 3 मैंगो को ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड करके उसकी प्यूरी निकाल दिया था। 1 कप जो है कंडेंस मिल्क चाहिए, 1 टेबल स्पून बटर और घी चाहिए, 1 टीस्पून जो है वो इलायची का पाउडर चाहिए। ओके, उसके बाद जो है हमें चाहिए 2.5 कप हमें डेसिकेटेड पाउडर चाहिए कोकोनट का, 1/2 कप जो है वो मैं एंड में कोटिंग के लिए यूज़ करूँगी, और जो 2 कप है वो मैं अभी जो मैंगो का लड्डू बनाऊँगी उसके लिए यूज़ किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने एक पैन लिया, उस पैन में जो है मैं सबसे पहले जो है डेसिकेटेड कोकोनट डाल दूँगी 2 कप, और फिर इसे मैं अच्छी तरह जो है वो भूनूँगी। मेरे चूल्हे की हीट थोड़ी हाई फ्लेम में हो गई थी, मेक श्योर आपकी जो है वो लो हो ताकि ये स्लोली जो है वो ब्राउन हो जाए। हमें कोकोनट पाउडर को जो है वो ब्राउन करना है लाइट, ताकि जो इसकी जो स्मेल है वो कोकोनट पाउडर की जो कच्ची स्मेल आती है वो चली जाए। सो 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएंगे। मेक श्योर कि आपके चूल्हे की जो हीट है वो बिल्कुल लो पे हो, और हम इसे हल्का सा भूनेंगे ताकि ब्राउनिश का कलर आ जाए। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो हम इसे जो है एक आई एम सॉरी, मैं इसमें बटर डालना भूल गई थी स्टार्टिंग में, बट इट्स ओके, मैंने ड्यूरिंग द भुनाई में जो है 1 टीस्पून बटर डाल दिया था, आप स्टार्टिंग में डाल दीजिएगा। अब ये यहाँ पर भुन चुका है और मैं इसे निकाल दिया है मैंने एक बोल में, एंड लेट देम चिल। एंड यहाँ पर जो है मैंगो की प्यूरी है, अब हम इसको उसी पैन पे जिसमें हमने कोकोनट पाउडर भुना था उसी में अब इसे डालकर हम इसे जो है इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है, अब इसे हम भुनना स्टार्ट करेंगे। 5 से 10 मिनट इसको भुनाई में लगेंगे। 5 से 10 मिनट आप मैंगो की प्यूरी को भुनिएगा अच्छी तरह। जब आपको ये फील होने लगे कि ये थिक होने लगी है, तो ड्यूरिंग द भुनाई में ही आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क जो है 1 कप वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ इसे 1 मिनट तक भुने अच्छी तरह, और आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क जो है वो डाल दीजिए, अच्छी तरह डाल दीजिए। और डालने के बाद इसे 5 से 10 मिनट तक आप इसे भुनाई करें, और आपको खुद पता चल जाएगा जब जो है मैंगो की प्यूरी जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगी, उसमें एक गाढ़ापन आ जाएगा। ये देखें, कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद जो है इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, और अब हम इसे भुनेंगे। इसे हम बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पे इसे भुनाई करेंगे। मेक श्योर कि कंटिन्यू 10 मिनट हम इसे मिक्स करते रहेंगे लो हीट पर, एंड 10 मिनट बाद जो है हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो इलायची का पाउडर वो ऐड कर देंगे। इलायची का पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे कंटिन्यू अगेन मिक्स करते रहेंगे 5 to 10 मिनट मोर, और जब आप इसे मिक्स करते रहेंगे तो आपको फील होता जाएगा कि आपका जो मैंगो की प्यूरी है वो थिक होने लगी है। 5 से 10 मिनट बाद जो है हम इसमें जो हमने कोकोनट पाउडर भुना था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखें, आपको ये थिक होने शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर जो है हम जो था 2 कप जो है वो जो हमने ब्राउन किया था कोकोनट पाउडर वो ऐड कर देंगे। कोकोनट पाउडर ऐड करने के बाद ये और थिक हो जाएगा। अब हम इसे कंटिन्यू चूल्हे के पास ही खड़े रहेंगे और लो हीट पर हम इसे कंटिन्यू भूनते रहेंगे। इतना हम इसे भूनेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और ये जो है अपने जो पैन है वो पैन से ये हट जाएगा और ये घी छोड़ने लग जाएगा। उस पॉइंट पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है मैंगो लड्डू वो रेडी हो चुके हैं। देखें, यहाँ पर ये थिक होने शुरू हो गए। मुझे ऑलमोस्ट इसे 15 मिनट हो गए हैं भूनते हुए,
और मैं अभी भी इसे कंटिन्यू मेक श्योर जो है आपके चूल्हे की जो हीट है वो बिल्कुल लो पे हो, हमें इसे लो हीट पे भुनाई करनी है। और जैसे ही इसका कलर चेंज होके येलो हो जाएगा और ये हलवे की शक्ल में आ जाएगा तो वहाँ पर हमारा जो है मैंगो का लड्डू रेडी हो जाएंगे। देखें यहाँ पर ये कितना थिक हो चुका है, बिल्कुल हलवे की शक्ल में आ चुका है और कलर भी देखें इसका बिल्कुल येलो हो चुका है। यहाँ पे ये जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल के 10 से 15 मिनट ठंडा करूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये इसके लड्डू कैसे बनते हैं। यहाँ पे मैंने इसे प्लेट पे निकाल दिया है, लेट देम चिल। और सो आफ्टर 10 मिनट बाद जो है मैंगो का लड्डू का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि हमें इसके लड्डू किस तरह बनाने हैं। 1/2 कप जो था कोकोनट पाउडर जो है वो मैंने निकाल दिया था। सो अब वो उसकी कोटिंग के लिए यूज़ होगा। इफ़ यू डोंट लाइक कोकोनट पाउडर कोटिंग के ऊपर सो आप ड्राई फ्रूट को भी यूज़ कर सकते हैं एज़ अ कोटिंग के लिए। अब हम थोड़ा सा मिक्सर जो है वो अपने हाथ पे ले लेंगे हथेली पे और उसके बाद जो है हम इसे राउंड शेप में जो है इसके लड्डू बना लेंगे, सिंपली राउंड शेप में अच्छी तरह राउंड करके। और जितना साइज़ आपको पसंद है, वी लाइक मीडियम साइज़, तो हम मीडियम साइज़ के सबके लड्डू बना लेंगे। अच्छी तरह इसको हथेली पर राउंड कर लेंगे और जो है यहाँ पर जो अच्छी तरह राउंड होने के बाद जो है हमारा जो है लड्डू देखें यहाँ पे बन चुका है, ये देखें। अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे डेसिकेटेड पाउडर से, कोकोनट पाउडर से अच्छी तरह। अगेन इफ़ यू डोंट लाइक डेसिकेटेड पाउडर कोकोनट सो यू कैन यूज़ ड्राई यू नो एनी ड्राई फ्रूट जो है वो यूज़ कर सकते हैं कोटिंग के लिए। देखें यहाँ पर ज़बरदस्त लड्डू रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं सारे लड्डू बनाकर जो है वो प्लेट पे रख दूँगी। लेट्स स्टार्ट, एक और लड्डू बना लेती हूँ। सो मेरे 1 कप मैंगो प्यूरी से जो है 8 लड्डू बने हैं और अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप 2 कप भी प्यूरी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको जो है कोकोनट पाउडर जो है वो 3 कप लेना पड़ेगा। सो मुझे कम बनाने थे इसलिए मैंने जो है 1 प्यूरी लिया था मैंगो का। सो अगर आपको थोड़े से वार्म लड्डू खाने हैं तो आप फ़ौरन से इसे सर्व कर लीजिएगा और अगर आपको ठंडे लड्डू पसंद हैं तो आप इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद इसे सर्व कीजिए। सो हियर इज़ अ फाइनल लुक। सो ट्राई दिस मैंगो लड्डू रेसिपी एंड लेट मी नो कि आप लोगों के कैसे बने। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड क्लिक द बेल आइकॉन बटन सो एनी टाइम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरी वन।